गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर, वेलकम ऑल द स्टूडेंट इन योर ऑनलाइन क्लास। माय सेल्फ ज्योति। हम जूलॉजी पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो यहाँ हम उसके प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो जैसे कि हमने देखा हमारी प्रीवियस क्लास में, जब किसी एक्वाटिक एरिया यानी कि अगर सक्सेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, किसी वाटर बॉडी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रा कहते हैं। यानी कि जब जो अनुक्रमण है, यदि वो किसी जलीय जीव से प्रारंभ हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जलक्रमक कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, जलक्रमक। जो जलक्रमक होता है, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जलक्रमक को भी हमें, अगर वो लवणीय जल में है तो उसको हम क्या कह देते हैं, होलोसियर कहते हैं, यानी कि लवणीय जलक्रमक कहा जाता है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रार्क की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि एक कोई वाटर बॉडी एरिया है, यानी क्योंकि हमने क्या बात करी थी, अनुक्रमण के में सक्सेशन होने में अप्रोक्सीमेटली 100 ऑफ ईयर्स लगते हैं, 100 वर्ष तक लग जाते हैं। एक सक्सेशन को कंप्लीट होने में कम से कम कितने लग जाते हैं, 100 वर्ष लग जाते हैं। तो यहाँ पर अनुक्रमण क्या है, एक धीरे धीरे यानी कि स्लोली प्रोसेस है, धीरे धीरे यानी कि क्लाइमेटिक चेंज के अकॉर्डिंग होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक वाटर यानी कि एक्वाटिक एरिया में किस तरीके से सक्सेशन होता है, वहां पर कौन कौन सी वेजिटेशन आती है, फिर वहां पर जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी तो क्लाइमेक्स कम्युनिटीज में कौन सी वेजिटेशन आती है, उनको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था अनुक्रमण के पद होते हैं, ठीक है। अनुक्रमण के हमने क्या देखे थे, स्टेप देखे थे। सबसे पहला तो क्या आ रहा था, हमारा न्यूडेशन आ रहा था। तो न्यूडेशन वो एरिया होता है जहां पर चाहे कैसा भी एरिया हो, अब हम अगर हम एक्वाटिक एरिया की बात करेंगे, जलीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो उस जलीय क्षेत्र में किसी भी तरीके का कोई वेजिटेशन नहीं है, यानी कि कोई लिविंग थिंग्स वहां पर नहीं है। बात समझ में आ रही है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से स्टार्ट कर रहे हैं, हम जलीय अनुक्रमण की बात कर रहे हैं। तो जब हम जलीय अनुक्रमण की बात कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, कोई भी लैंड एरिया लेंगे, यानी कि ऐसा एक्वाटिक एरिया लेंगे जहां पर किसी भी टाइप का कोई वेजिटेशन नहीं है, यानी कोई लिविंग थिंग्स नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहां हम इसको स्टेप टू स्टेप स्टडी करना देखते हैं कि क्या हो रहा है। सपोज करो कोई लेक है, ठीक है, हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं कोई झील है, हमने स्टार्ट करा था कि सबसे पहले क्या होगा, कौन सी स्टेज आती है, न्यूडेशन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आती है, न्यूडेशन। यानी कि जो सक्सेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, अभी कैसा है, एक्वाटिक एरिया है, अभी कैसा है, कोई तालाब है, यानी कि ये क्या है, पॉन्ड। अब पॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, जल होगा, टोपोग्राफिक फैक्टर है कि सपोज करो टोपोग्राफिक फैक्टर्स में अगर हम बात करें कि ग्लेशियर्स हो गए,
ग्लेशियर्स की वजह से क्या बना है, वो पॉन्ड बना है। ठीक, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या हुआ, पायोनियर वेजिटेशन। अब पायोनियर वेजिटेशन में कौन किस वजह से आएगी, यहाँ पर एक क्या हो रहा है, माइग्रेशन इन्वेशन हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, माइग्रेशन, या इसको हम क्या कहते हैं, प्रवसन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, प्रवसन। सॉरी आस्थापन। तो यहां पर क्या आएगी, पायोनियर स्पीसीज आएगी। बॉटम में न्यूट्रिशंस भी आएंगे, न्यूट्रिटिव मटेरियल हो जाएगा, तो
तो यहाँ पर कौन से प्लांट ग्रो अप करेंगे, यहाँ ऐसे प्लांट ग्रो अप करेंगे जो कि कैसे होते हैं टोटली वॉटर स्पिट यानी कि इन साइड ऑफ द वॉटर रहती है। सबमर्स जो प्लांट होते हैं वो प्लांट यहाँ पर ग्रो करते हैं क्योंकि उनके लिए क्या हो गया कैपेबल एनवायरमेंट है। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे रूटेड, अभी देखो केवल क्या आते हैं यहाँ पर जूप्लैंक्टन है फाइटोप्लैंक्टन से, अब यहाँ पर ऐसे प्लांट आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई मड आ गई है, मड है मड के साथ साथ क्या होगा फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की डेड होने से न्यूट्रिशन भी है यानी कि यहाँ पर पोषक पदार्थ भी है मिट्टी है गाद है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे ऐसे प्लांट होंगे जो कि क्या होते हैं जो कि जड़ वाले होते हैं रूटेड प्लांट हो गया वॉटर में होते हैं। रूटेड प्लांट भी कौन से होंगे जो कि किसमें होते हैं टोटली वॉटर में होते हैं। तो इन प्लांट्स की अगर हम बात करें जैसे हाइड्रिला हो गया कि या होता है वेलिस्टेरिया हो गया कारा, तो यहां पर कौन से हुए कारा वेलिस्टेरिया पॉटेनोजिडॉन यानी कि सब फर्स्ट जो प्लांट होते हैं वो यहां पर आएंगे। तो कैसे प्लांट आएंगे जो कि रूट्स होंगी और प्लांट यानी कि जो वॉटर है उसमें डिप रहेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे अगर इस प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं देन अगर हम बात कर रहे हैं आगे तो क्या होगा इस बॉटम में कंटिन्यूअसली क्योंकि हम क्या कह रहे हैं स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है तो क्या होगा पहले भी क्या होता जा रहा है कि बॉटम में स्लेट्स न्यूट्रेटिव मटेरियल और एक तरीके से हम कहें जो मड है वो बढ़ता जा रहा है और वॉटर का लेवल जो हो रहा है कम होता जा रहा है। जब इसमें मिट्टी वगैरह आ रही है और हम कहें प्लांट्स वगैरह भी ग्रो कर रहे हैं तो इसका क्या होगा धीरे धीरे वॉटर लेवल यानी पानी तो क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर पानी का लेवल क्या हो रहा है कम हो रहा है वॉटर लेवल क्या हो रहा है कम। अब यहाँ पर वो प्लांट्स देंगे जो कि कैसे हैं अभी तो कौन से थे जो कि वॉटर में टोटली डिप्रेस्ड कंडीशन में थे, अब वो प्लांट होंगे जो फ्लोटिंग कंडीशन में होंगे यानी कि यहाँ पर क्या है पानी का लेवल क्या हो गया वॉटर लेवल कम हो गया। अब यहाँ पर प्लांट्स कौन से आएंगे जो दोनों तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं कि एरी भी होंगे और साथ ही साथ कैसे होंगे एक्वेटिक भी होंगे। तो अगर हम इस एरिया में अगर प्लांट की बात करते हैं कि अगर फ्लोटिंग वॉटर फ्लोटिंग प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो जैसे क्या हो गया वॉल्फिया एजोरा कौन कौन से होंगे वॉल्फिया एजोरा ये प्लांट ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं फ्लोटिंग कंडीशन में रहते हैं यानी कि इनकी जो रूट है वो कहां है रूट तो किसमें है मड पे और इसके साथ साथ ये कहां है एयर में रूट तो कहां है कि ये एक्वेटिक एक तरीके से एम्फीबियस जो इनको बोलते हैं ट्री हो जाएंगे सॉरी प्लांट। फिर देखो फिर आगे अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो फिर आगे इनमें क्या होगा नेक्स्ट अब यहाँ पर वॉटर लेवल बिल्कुल ड्राई हो जाएगा अभी किसके कन्वर्ट हो जाता है वॉटर एक्वेटिक एरिया। अब यहाँ पर वॉटर लेवल बिल्कुल क्या हो गया खत्म हो गया बिल्कुल कितना रह गया केवल मड में वॉटर है। मड कैसा है मड में एक तरीके से धीरे धीरे क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया पानी तो बिल्कुल खत्म हो गया अब यहाँ पर केवल क्या हो गई मड रह गई है। ड्राई एरिया हो गया तो यहाँ पर कौन से होंगे अभी इसमें हो गया टेरेस्ट्रियल एरिया स्थलीय क्षेत्र बन चुका है। पहले यहाँ पर एक पॉन्ड था पॉन्ड में धीरे धीरे वॉटर लेवल कम हुआ यानी छोटे छोटे क्या हुए प्लांट्स आ गए पहले तो कौन से है पादप प्लवक आए जंतु प्लवक आए फिर कौन से पादप प्लांट्स आए हैं जो कि जल में डूबे रहते हैं जल निमग्न पादप जिनको हम बोलते हैं सब मसला। फिर उसके बाद कौन से है फ्लोटिंग वाले यानी कि जो कहाँ रहते हैं जो कि जल के ऊपर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं तो एक तरीके से फ्लोटिंग वाले प्लांट्स हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ
बदल गया है, एक फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके का जो सक्सेशन होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसियल। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट है यहाँ आने वाली वेजिटेशन की, जिस तरीके का एनवायरमेंट होता है उस तरीके की वेजिटेशन वहां पर, यानी उस तरीके की जीव भी वहां पर उपलब्ध होते हैं। समझ में आया? तो हाइड्रोसियल कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये यहां से जलीय क्षेत्र है, यहां पर कौन आए? पादप लवक आए। पादप लवक आने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है यहां पर क्या हो गए? यहां पर एक तरीके से जलनिमग्न पादप आए, यानी संभव प्लांट आए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? जलनिमग्न पादप के बाद कौन से आए? प्लावी पादप आए। कौन से? फ्लोटिंग वाली प्लावी पादप आए। फिर इसके बाद क्या होगा? यहां पर ऐसे पादप आए जो कि यहां रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, और लास्ट में क्या होगा? एक पूर्ण जंगल का निर्माण हो गया। ये क्या जाता है? स्थायी समुदाय, जिसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो यहां पर ये तो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, पादप प्रवाह और जंतु प्रवाह तो क्या हो गए? पायोनियर प्रजातियां हो गई। और यहाँ जो बड़े बड़े पेड़ बने हैं ये कौन से हो गए? ये स्थायी समुदाय में आती है। और यहां जो हम अगर बात करते हैं, जैसे कौन सी आए? सम्बर्स प्लांट आए, फ्लोटिंग प्लांट्स आए। ये जो प्लांटेड आती है ये सीरियल स्टेजेस हो जाती है। कौन सी हो जाती है? सीरियल अवस्थाएं, सीरियल स्टेजेस हो जाती है। तो आप इसको नोट डाउन करें स्टेप टू स्टेप। फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन ये सिक्स। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है? जलक्रमक होता है। ये बना लो फिर मैं आपको इसका डिटेल भी दिखाती हूं। किसी तालाब अथवा सरोवर की, किसी
जीवाणु आदि निक्षेपित हो जाते हैं, आदि निक्षेपित हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में यहां, अनुकूल परिस्थितियों में यहां जल में, अनुकूल परिस्थितियों में यहां जल में पादप प्लवक जैसे जीवाणु, पादप प्लवक जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल, जीवाणु बैक्टीरिया शैवाल आदि भी आ जाते हैं। युग्लीना आदि भी जल में उत्पन्न हो जाते हैं, आदि भी जल में उत्पन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि होती है। Diatoms and bacteria.
multiply and grow, multiply and grow, multiply and grow. Amoeba, Euglena, Paramecium are also grown there. Amoeba,